नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज हमारे सामने आसनसोल के डीआरएम साहब हैं। इन्होंने 2 साल बहुत ही अच्छा काम किया और इनके कार्यकाल को अगर हम लोग देखें तो इन्होंने हर एरिया में काम किया और बेसिकली इनके आने से आसनसोल को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ टेक्निकली मजबूरी होती है, आज ये इनका ट्रांसफ़र हो गया है। आइए उनसे जानते हैं कि 2 साल में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। रेलवे का और इंडियन रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण डिवीज़न है। इसमें पूरे जो बंगाल के फ्रेट मूवमेंट है ये समाहित है, साथ ही साथ राजधानी कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रेन जो लाइन है, एक डायरेक्ट गया होते हुए जिसको ग्रैंड कॉर्ड हम लोग कहते हैं और दूसरी पटना होते हुए जो मेन लाइन है, ये दोनों लाइनें आसनसोल डिवीज़न होकर गुजरती हैं। आसनसोल डिवीज़न फ्रेट का और कोचिंग का दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर पॉइंट है। तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि आसनसोल में मैक्सिमम अमाउंट फ्रेट को हम लोग कैरी करना है। तो पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने लगातार पिछले 125 वर्ष के लोडिंग की और अर्निंग के रिकॉर्ड को हम लोगों ने तोड़ा। पहली बार हम लोगों ने 17-18 में 40 मिलियन टन से ज़्यादा लोडिंग की और 18-19 में हम लोगों ने 44.75 मिलियन टन की लोडिंग की। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने 1100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा अर्न किया आसनसोल डिवीज़न के लिए, और आसनसोल डिवीज़न का जो कंट्रीब्यूशन था ईस्टर्न रेलवे के टोटल अर्निंग में, वो पहले 40% होता था, अब वो बढ़ के 50% हो गया। तो आसनसोल जो कोर सेक्टर है, जो माल ढुलाई और अर्निंग है, उसमें उसने लगातार 2 वर्षों से पिछले 125 वर्ष के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ग्रोथिंग किया ना सर, ग्रो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। अच्छा सर, आप तो बहुत एरिया में काम किए हैं, स्पेशली जिन्हें हम लोगों ने देखा ना रेनी पान, बारिश के लिए आपने एक योजना किया था, वो कैसा लगा एक्सपीरियंस था? देखिए, ये बारिश की जो पानी की जो कमी है पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतवर्ष में आपने देखा होगा कई शहरों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और जो भूगर्भ जल है वो बहुत नीचे जा रहा है। कितने जगह में जो बोरिंग वेल हैं वो ड्राई हो रहे हैं, नदियों में पानी नहीं रहता है, और कई छोटे छोटे स्टेशनों में, स्पेशली झारखंड के जो स्टेशन हमारे पास हैं, वहाँ पर हम साल में 2 महीने 3 महीने अपने कर्मचारियों को और यात्रियों को पानी दे नहीं सकते क्योंकि कोई पानी है ही नहीं। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने 3-4 क्षेत्र में काम किया। हम लोगों ने एक प्लान बनाया, आसनसोल वाटर प्लान 2050, कि अगले 50 साल के पानी की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रेलवे की जितनी खाली ज़मीन थी उनको आइडेंटिफाई किया और खाली ज़मीन में हम लोगों ने तालाब बनाया। इससे 2 फायदे हुए, एक तो खाली ज़मीन का इंक्रोचमेंट बंद हो गया, दूसरा उसमें जब हम रेन वाटर को जमा करने लगे, पानी को जमा करने लगे, तो भूगर्भ के जल की वृद्धि हो रही है, पानी रिचार्ज हो रहा है, और साथ ही साथ उसमें हम लोग मछली पालन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस एरिया में जो रोज़गार की बढ़ोतरी का भी एक अवसर मिला, और साथ ही साथ हम लोगों ने शताब्दी पार्क में जो नए पॉन्ड बनाए, जो नए वाटर बॉडी बनाए, उससे हम लोगों को 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आय हुई। तो आप सोच सकते हैं कि जितना हमने खर्च किया पॉन्ड बनाने में, उससे ज़्यादा अर्निंग हुई। तो ये जो हम लोगों ने मॉडल बनाया, इसको हम लोग कह रहे हैं सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट मॉडल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट का भी काम होगा और उससे हमें आर्थिक फ़ायदा भी मिलेगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेड़ पौधा भी आप लोगों हाँ, ने बहुत लगाया। तो पानी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की में सिर्फ हम लोगों ने तालाब और वाटर बॉडी ही नहीं बनाए, बल्कि जितनी हमारी बड़ी बिल्डिंग हैं, जितने हमारे ऑफिसेज हैं, उन सब के छत के पानी को कलेक्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोगों ने डेवलप किया। हम लोगों ने एक इंटरनल डिसीजन लिया कि जितना भी हम लोग नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, सब बिल्डिंग के साथ हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए ताकि वो पानी कलेक्ट हो और भूगर्भ में जाए, चलता रहे। और जो गंदा नाला हमारे यहाँ से गुजरता है, उस नाले के पानी को साफ करके ETP प्लांट लगा के हम उस पानी का इस्तेमाल करें क्लीनिंग पर्पस के लिए, उस पानी का इस्तेमाल करें गार्डनिंग के लिए, उस पानी का इस्तेमाल करें बाथरूम पर्पस के लिए, जिससे फ्रेश वाटर की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो 20 से 30% घटे। तो अगले 50 वर्षों में हमारी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और इन सब तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेन वाटर क्लीनिंग, इनसे हम पानी को यूज करेंगे। तो पानी को हम लोगों ने एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में ट्रीट किया है कि पानी हमारा
रेन वाटर हमारा वेल्थ होगा, रेन वाटर हमारा वेल्थ होगा, और नेचर के साथ मिलकर हम काम करेंगे जिससे हमारे डिवीज़न को ये खुशी होगी कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो भारत सरकार का एक मिशन है उस पर हम लोग एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर? लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। जितने यहाँ के एनजीओज हैं, जितने प्रेस मीडिया के लोग हैं, लोकल सिटीजन हैं, सब लोगों ने हमारे प्रयास को सराहा है और उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस काम की सराहना की है। इससे हमारी टीम को और नई ऊर्जा मिलती है काम करने का, और हम लोग और अपने लिए बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट सेट किए। हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि हर दिन एक या तो एक हम लोग तालाब बनाएंगे या एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएंगे, या नहीं तो एक जंगल लगाएंगे या नहीं तो एक पार्क लगाएंगे। तो जाड़े के महीने सॉरी बरसात के महीने में हम लोगों ने अपने लिए 1 इन्वायरमेंट वर्क पर डे का टारगेट रखा है और अभी तक हम लोग मेंटेन करके आ रहे हैं। तो सर अब देश की विकास की लाइन है, तो यदि रेलवे में इन्वेस्टमेंट होगा, रेलवे वापस फोकस में आएगी, तो देश की जो विकास की गति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि रेलवे की बढ़ने की गति और देश की विकास की गति के बीच में बहुत क्लियर संबंध है। तो यदि आप देश में विकास चाहते हैं, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो रेल में इन्वेस्टमेंट देना होगा। और पिछले कई वर्षों से ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ था, इस बार हम लोगों ने देखा है और बहुत खुशी हम लोगों को हो रही है कि रेलवे को वापस विकास की धारा में लाया गया है और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसका फील आप देखेंगे आने वाले समय में दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स के पॉइंट हैं उस पर बहुत हम लोग काम कर रहे हैं, और जो हम लोगों की सरकार का फोकस पॉइंट है, सारे स्टेशंस को आप देख रहे हो कि हम लोग रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। आसनसोल स्टेशन को आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसको यात्रियों की सुविधा के लिए नए ढंग से रिकंस्ट्रक्ट किया है। जसीडी में भी ऐसा किया है हम लोगों ने, मधुपुर दुर्गापुर सारे स्टेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। एयरपोर्ट के स्टाइल में हम लोग 5-स्टार लॉन्ज दे रहे हैं, जहाँ पे बहुत कम कीमत पे 30 रुपये पर घंटे में बैठ के यात्री आराम से अपने समय को बिता सकते हैं। हम लोग सर्कुलेटिंग एरिया को बहुत बड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे गार्डन डेवलप कर रहे हैं, पार्किंग एरिया डेवलप कर रहे हैं, जिससे लोग स्टेशन आए तो एक पॉजिटिव इमेज के साथ जाए, उन्हें परेशानी ना हो। स्टेशन को हम लोग एक पार्क का लुक देना चाहते हैं, स्टेशन एरिया को आने के साथ उनको खुशी होनी चाहिए। और यात्रियों की सुविधा के लिए ढेर सारे हम लोगों ने एयर कंडीशन और नॉर्मल रिटायरिंग रूम्स बनाए हैं, सारे वेटिंग हॉल्स को हम लोगों ने रिनोवेट किया है, अपग्रेड किया है। पहली बार ईस्टर्न रेलवे में हम लोगों ने यात्रियों के लिए पीने का मिनरल वाटर मुफ्त की सुविधा स्टार्ट की है, ताकि किसी को पानी जैसी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं हो, प्योर फिल्टर मिनरल वाटर चिल्ड आसानी से मिल जाए। तो हर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने दो दो बूथ लगाए हैं। आसनसोल में 8 पॉइंट हैं, दुर्गापुर, जसीडी, कालू बथान, इन सारे स्टेशनों में हम लोग ये सुविधा को आगे समय तक बढ़ा के ले जाएंगे। सर आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस था, इसमें कुछ चैलेंजिंग थे कहीं पे? ऐसा लगा कि आप नहीं कर पाओगे, फिर उसके उस काम को आपने कर दिया? देखिए, डिवीज़न की जो वर्किंग है बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग कई सारी चीज़ें आपको एक साथ देखनी होती हैं, क्योंकि ट्रेन की जो ऑपरेशन है वो 24/7 है, ट्रेन का की चक्का हरदम चलते रहना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, गुड्स ट्रेन, और उसके साथ बहुत सारे बैकग्राउंड में मेंटेनेंस एक्टिविटी होती हैं, ट्रैक का मेंटेनेंस, कोचेज के मेंटेनेंस, लोकोमोटिव के मेंटेनेंस, सिग्नल के मेंटेनेंस। इसके साथ हमारे विशाल रेलवे के परिवार हैं, 20,000 एम्प्लॉइज हैं, उनके उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके परिवार की समस्याएं हैं, कॉलोनी की समस्याएं हैं, तो समस्या चैलेंजेस की कमी नहीं है, हज़ारों चैलेंजेज हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप एक टीम को बनाएं, आपका एक विज़न हो। तो हम लोगों ने पहले वर्ष में बहुत बढ़िया टीम बनाई, और टीम में इतना ज़्यादा उत्साह था काम, नया काम करने का, चैलेंजेस को फेस करने का, कि और सबको हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि ये रेलवे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। तो जितने सारे लोगों के आइडियाज़ को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, जितने ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके एक हम लोगों ने कॉमन प्लान बनाया, और उस कॉमन प्लान पे हम लोग कार्य करके आगे बढ़ते चले गए। कभी हम लोगों ने इसको परेशानी के रूप में नहीं लिया, बल्कि इस ढंग से लिया कि हम लोग देश के लिए, समाज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। ये कार्य करने की अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है रेलवे में, इसका असर साधारण आदमी को कैसे हम लोग दे सकते हैं, कैसे उसे लग सकता है कि कोई चेंज हो रहा है। तो जितने सारे क्षेत्र थे, चाहे माल ढुलाई हो, माल ढुलाई में हम लोगों ने नए आयाम किए, पैसेंजर अर्निंग हो,
नई ट्रेन्स का इनाग्रेशन करना हो, पैसेंजर्स की सुविधा हो स्टेशनों में, चाहे आसनसोल डिवीज़न का जो इतना गौरवशाली अतीत है, हेरिटेज था, उसके ऊपर काम करना हो, चाहे स्टाफ वेलफेयर के ऊपर काम करना हो। गैंगमैन के रहने की बहुत बड़ी समस्या थी, तो हम लोगों ने 28 उनके लिए गैंगमैन के रहने के लिए खूबसूरत हट्स बनाए, जहाँ पे गैंगमैन जाके रह सकते हैं, लंच कर सकते हैं। वहाँ पर बाकायदा प्रॉपर हम लोगों ने टाइल सैनिटरी फिटिंग्स दिए। जो जो सबसे इग्नोर तबका था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करते थे, काफ़ी परेशानियाँ थे, उसके बारे में हम लोगों ने केयर करना शुरू किया। अपने स्टाफ के कल्चर के ऊपर में, कल्चर प्रोग्राम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हम लोगों ने स्पोर्ट्स के कल्चर के ऊपर में नई सारी शुरू किया। और जितने मेरिटोरियस स्टाफ थे जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको सामने ला के हज़ारों लोगों को हम लोगों ने अवार्ड दिया। तो हर फील्ड में हम लोगों ने कोशिश की कि एक नई पहल हो, नई जीवंतता आए, और इसका परिणाम हुआ कि आसनसोल डिवीज़न लगातार 2 वर्षों से ईस्टर्न रेलवे के बेस्ट डिवीज़न का अवार्ड और सीट लगातार 2 बार मिला, जो ये अनूठा है। 2 साल हम लोगों ने आपका कार्यकाल को देखा, पल भर आप सोचते रहे आसनसोल के बारे, रेलवे के बारे में, और आपकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ किया जाए रेलवे के लिए। अब तो सर आप 2 साल बहुत अच्छे काम करके आप जा रहे हैं, आखिर में सर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आसनसोल के लिए कुछ मैसेज रिगार्ड रेलवे के हवाले से। देखिए, आसनसोल और रेलवे के बीच में चोली दामन का संबंध है। आसनसोल शहर का निर्माण रेलवे ने किया था, इसलिए रेलवे की ये मॉरल ड्यूटी है कि आसनसोल शहर की खूबसूरती जो आज से 150 साल पहले थी, और आसनसोल को जो लोग रेलवे के नाम से जानते हैं, तो रेलवे आसनसोल को खूबसूरत बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, नंबर 1 सिटी बनाने के लिए जुड़ा रहे। और यहाँ के लोगों में इतना रेलवे के प्रति अपनापन है, और हर पॉजिटिव चीज़ को ये इतना अच्छी तरह से प्रोत्साहन देते हैं, इतने आइडियाज़ देते हैं, तो ये जो संबंध है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का और आसनसोल के लोगों का, ये दोनों मिलके यदि हम लोग चाहें तो आसनसोल को हम लोग विकास की और खूबसूरती की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हम लोगों ने आसनसोल के जितने गौरवशाली अतीत थे, धरोहर थे, उन सबको पुनर्जीवित कर दिया है, और हम लोग इसको मिलजुल के आसनसोल के निवासियों के साथ मिलके इसको हम लोग मेंटेन करें, ताकि आने वाले समय में जो भी लोग आएँ आसनसोल में, वो अपनी गौरवशाली अतीत को देख के खुशी से जा सकें, और साथ ही साथ जो कॉलोनीज हैं, जो हम लोगों की वर्किंग है, जो हमारे स्टेशन्स हैं, उनके देख के वो गौरवान्वित हो सकें। चलिए सर, आप लोगों ने हम लोगों से बात की, इसके लिए थैंक यू।